मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल को इजीली फ्लैश कर सकते हैं। अपने फ़ोन को फ्लैश करने से पहले आपके पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि आपके फ़ोन के मॉडल के ड्राइवर्स, उसकी फ्लैश फाइल और एक फ्लैश टूल। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ये अपने सैमसंग का मेरा फ़ोन है तो उसके ड्राइवर यहाँ रखे हैं, मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब ये है हमारी फ्लैश फाइल, इसको हमें यहाँ पर मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर सकती है। आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे एक नया फोल्डर बनकर आएगा और एक यहाँ पर ये आपकी फ्लैश फाइल आ जाएगी MD59 से, ठीक है। अब हम इसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, अगर आपके ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए होंगे तो वो वहाँ पर जब आप फ्लैश टूल पर उसको मतलब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना फ्लैश टूल को ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्लैश टूल ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। फ़ोन को पहले फ्लैश टूल से अटैच करने से पहले अपने फ़ोन का पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करें। सिर्फ सैमसंग में ऐसा होता है कि जिसमें पावर बटन वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन तीनों एक साथ प्रेस किए जाते हैं, बाकी दूसरे फ़ोनों में नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करने के बाद जब आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हो तब अपने फ़ोन को मतलब USB को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना। देखने हैं फ्रेंड्स कि मेरे ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं, मैं आप आपको चेक कर देता हूँ कि ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं है। अगर ये ID.com जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर अगर ये ब्लू हो गया तो इसका मतलब मेरा फ़ोन के ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए हैं वरना नहीं हुए। देखते हैं कनेक्ट करके क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्लू हो गया है और नीचे लिखा हुआ आ चुका है एडिट। अब आपको काम क्या करना है, यहाँ PDA जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी पहले MD5 वाली फाइल, इसको क्लिक करके ओपन कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है डू नॉट अनप्लग द केबल। थोड़ी देर वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कि फिनिश सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम इस क्या करना है, हमें अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर सक्सेस या फिर फिनिश आ जाएगा लिखा हुआ, तब आपने आपको फ़ोन को हटा देना और उसको दोबारा से ऑन कर लेना, आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका फ़ोन इस तरीके मेरे बताए हुए तरीके से फ्लैश करने ईजिली फ्लैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर फ्लैशिंग करते समय कोई प्रॉब्लम आती है या आपसे फ्लैश नहीं हो रहा है तो भी आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।